तो इस संडे भी अपनी राइड होगी, बिकॉज मुझे कल ही पता चला कि ये जो लास्ट संडे आ रहा है ये आपका लास्ट संडे रहेगा वीक ऑफ का, उसके बाद आपको संडे वीक ऑफ नहीं मिलेगा। तो चलो ये एक और अच्छी चीज अपने लिए कि एक और संडे राइड करने मिल जाएगी इस बहाने, और राइडिंग जैकेट तो अपना ये वीक में आ जाएगा क्योंकि कल ही देख के आया हूं मैं, तो ऑलमोस्ट एक दो दिन में मुझे टाइम निकाल के मैं जाके ले आऊंगा। और बिल्कुल सही लगा, मैंने ऑनलाइन भी देखी, सेम प्राइस ही है और सेम ही है, लेकिन ऑफलाइन लेने का एक बेनिफिट है कि आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो इजिली सॉल्व हो जाएगी, जो ऑनलाइन में थोड़ा मगजमारी वाला काम काज है। और जहाँ पे मैंने देखा जो आइनॉक्स का ऑथोराइज सर्विस सेंटर ही है, मतलब ऑथोराइज डीलर है वो आइनॉक्स का, तो कुछ भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं इस सेट से जा रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया कि बाइक के शोरूम पे जाना है वो पूछने के लिए, इसलिए मैंने ये रूट लिया। बाकी मैं अंदर के रूट से ही जाता बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है और इस साइड ट्रैफिक होता है। ये सनवाइजर पे एक मच्छर चिपक गया और मर भी गया शायद से, साफ करना पड़ेगा इसको ऑफिस पहुँच के। और एक चीज मैंने नोट की है, जिस चीज की आप ज्यादा केयर करते हो ना वो चीज में दिक्कत जल्दी आती है, तो केयर करो पर बहुत मत करो, थोड़ी करो। तो चलो फटाफट ले लेता हूँ मैं टर्न बिकॉज के अपना सिग्नल ऑन है, अगर स्लो गया तब तक बंद हो जाएगा, इससे पहले अपने टर्न ले लेते हैं। यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है, सिर्फ गो लिखा है, टाइम क्यों नहीं लिखा है भाई साहब। तो यहीं पे कहीं पे है वो शोरूम शायद से, लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ गया, इतने में ही था, हाँ वो रहा। तो पूछ लेते अपने के कब तक ये फिट करवा के देंगे, ये सब जो चीज अपने को लगवानी है वो। तो इनके पास स्टॉक में ही नहीं है चार्जर और मोबाइल होल्डर दोनों, तो अपना काम उसी साइड होगा, तो वहीं पे एक आध दिन मैं गाड़ी रख दूंगा तो वहाँ पे वो करवा के रख देंगे, या तो फिर शाम को मैं छूटता हूँ तब तो बंद होता है, देखते हैं कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे। और ये वीक से पहले मतलब ये संडे राइड जाने से पहले अपने को ये काम करवा देना है, तो एक दो दिन में ये काम हो जाएगा, आप सीधा बाइक पे लगा हुआ ही देखोगे नेक्स्ट वीक तक, मतलब संडे तक। चलो तो इसी बात पे बातें करते करते अपने पहुंच गए ऑफिस, और ऑफिस में थोड़ा बहुत काम भी है, काम तो रोज रहता है लेकिन आज थोड़ा अलग काम है, तो वो खत्म करता हूँ तब तक सब लोग आ जाएंगे, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखना है मतलब देखना है तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ सीधा आपको शाम को घर पे जाने के टाइम पे। चलिए यार, काफी लोग मुझे ऐसे देखते हैं हेलमेट पहने हुए के कुछ अजीब ही लग रहा है, तो मुझे नहीं, सीरियसली मुझे भी नहीं पता है कि हेलमेट अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि अपना हेलमेट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। जस्ट अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ बिकॉज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, मुझे थोड़ा काम है इस वजह से। और जैसे ही समर आती है ना तो फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, और काफी दिनों से बाहर खाया भी नहीं है तो भी इतने सारे पिंपल्स निकले यहाँ पे ऊपर। तो अभी ये भी ऐसा बोल रहे कि बाहर का खाना खा तो हम लोग नहीं आएंगे, मतलब पिंपल्स नहीं होंगे, तो अभी तो बाहर नहीं जा रहे खाने के लिए, लेकिन ये वीकेंड में शायद जाएंगे। तो यार अभी ये देखो बीच में ऐसे गाड़ी रख के गए तो अपनी बाइक निकलेगी कैसे, कहाँ से निकाले अभी इसको, ना इसको आगे कर सकते हैं ना इसको पीछे कर सकते हैं, अभी बाइक निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है कि इधर उधर से डाल के भी निकाल सकूं, इस साइड से भी कोई रास्ता नहीं है, तो इनको ही हटाना पड़ेगा और तो क्या। तो अभी कैसे कैसे तो मैनेज किया है बाइक निकालने का, इतनी गैप की इतने में से अपने को निकालनी है, इतने में से तो निकल जाएगी, लेकिन यार कैसे रख के जाते हैं, जरा भी इनको सेंस नहीं कि बाइक कैसे रखी जाती है, पूरा रोड खाली है। ये वाला रास्ता बहुत रेयरली दिन में खाली मिलता है, ये गर्मियों की वजह से, समर की वजह से काफी लोग जो है घर के बाहर ही नहीं निकलते अभी काम बिना से, क्योंकि गरम गरम लू इतनी चल रही है, फालतू में कोई बीमार हो, इसलिए काफी सारे लोग है जो घर के बाहर ही नहीं निकलते काम के बिना। तो पता नहीं वो वीक में एक आता है बोरिंग वाला डे, क्या हाँ उस दिन कुछ भी नहीं करना है, मतलब सो ही रहना है कुछ नहीं, बट अपने सो तो नहीं रह सकते, जॉब पे तो आना ही पड़ता है, तो जॉब पे तो आ रहे थे, लेकिन आज का दिन बहुत बोरिंग लग रहा था, आज व्लॉग करने का भी मन नहीं हो रहा था, अभी सुबह गया तो भी मैंने ज्यादा बात नहीं की, और अभी जा रहा हूँ तो भी ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, पर ठीक है व्लॉग बनाना है, अपना जो चैलेंज है कि रेगुलर डेली व्लॉग्स डालने ही है, उस वजह से ये आज का व्लॉग बना रहा हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों दिल से इच्छा नहीं हो रही व्लॉग करने का, तो भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि आज व्लॉग नहीं आया है उस वजह से।
तो ये राइड संडे राइड के लिए एक प्लेस तो मैंने देखी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सोलो जाना रिस्की है। आप लोगों ने कोई ऐसी प्लेस देखी हो जो थोड़ी अच्छी है और सोलो जा सके, और कोई आइडिया आपको हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, तो हो सके मैं वो प्लेस पे जाऊंगा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने। बाकी जो प्लेस देखी है वहाँ पे अगर देखते कोई रेडी है साथ में तो उसके साथ जाएंगे, नहीं तो फिर सोलो जाने का रिस्क तो ले ही लेता हूँ मैं ऐसे भी हमेशा, तो ट्राई कर लेंगे सोलो जाने का। तो ये जो हेलमेट है ना, इसके पीछे एक और वाइजर लगा हुआ है, तो इसमें दो वाइजर दिए मुझे, एक एकदम शॉर्ट है और एक थोड़ा बड़ा है। तो शॉर्ट वाला वैसे जो लगा है ना, उससे क्या है पीछे का लुक थोड़ा अच्छा दिखता है, बिकॉज के जो डिजाइन है ना वो छुपती नहीं है, और जो लॉन्ग वाला है ना उससे डिजाइन थोड़ी छुपती है। लेकिन मुझे एक जन आज जो मिला उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि लॉन्ग एक्चुअली आपको हेल्प करेगा जब आप राइड करते हो, तो आपको वो जो हेलमेट आपका थोड़ा हवा में हिलेगा नहीं। शॉर्ट वाला सिर्फ डिजाइन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग वाला आपको सेफ्टी के लिए भी यूज होगा, बिकॉज के जो एयर कट ऑफ होगी ना तो उसके ऊपर से कट ऑफ होके जाएगी, तो आपका हेलमेट ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा। तो उनकी बात भी मुझे सही लगी है। तो जब भी अपना राइड का प्लान रहेगा लॉन्ग राइड पे, कहीं पे भी जाएंगे, तो वो जो लॉन्ग वाला हेलमेट है ना वो लगा के जाऊंगा, हेलमेट नहीं सॉरी पीछे का जो वाइजर है वो ये वाला चेंज करके जाऊंगा। और एक दूसरी बात मैंने नोट की है, अगर मैं स्पेशल काम से निकलूंगा ना किसी दिन, तो वो काम मेरा नहीं होगा, ऐसे ही इधर उधर घूमते फिरते चला जाऊंगा ना तो वो मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये मैंने डिसाइड किया स्पेशल कुछ भी काम कर ले नहीं निकलना है, बस ऐसे याद आया तो निकल जाने का, तो अपना वो काम हो जाता है। स्पेशल निकलता हूँ तो नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। तो अभी क्या है, बस घर पे पहुंचना है, आगे से एक लेफ्ट टर्न मारूंगा और सीधा जाऊंगा अपना घर आ जाएगा। तो और शाम का जो प्लान है, मैंने आपको पहले बताया था कि टीम डिनर के साथ बाहर जाना है, तो उसका व्लॉग मैं नहीं करूंगा बिकॉज वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है उस वजह से। तो आज का दिन जो है अपना यही समाप्त होता है, तो मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और एडवांस में गुड नाइट।